आपने दोनों मेहमानों को सुना, तो धमरा साहब क्या समझ रहे हैं इस इत्तेहाद को लेकर के, क्या मकासद हो सकते हैं? एक तो आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं, आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, दूसरा बाप ही की जमात के खिलाफ इत्तेहाद भी बन रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें साहब, पहली बात तो ये है कि मैं वेलकम कहता हूँ अगर इन दोनों पार्टियों का आपस में कोई इत्तेहाद होता है, और ये नई और अनहोनी बात नहीं है, इसलिए कि तारीख का जब आप मुशाहिदा करेंगे तो पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट हमेशा हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं और पीपुल्स पार्टी सिंगल पार्टी के तौर पर इलेक्शन में मौजूद रहती है। अच्छा, प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पीपुल्स पार्टी जो है आपको ग्रास रूट पे नहीं रही, पीपुल्स पार्टी सुगर के किसी कोने की कॉर्नर की पार्टी बन गई है, मगर उसी पार्टी के अगेंस्ट फिर तमाम लोगों की मजबूरी होती है कि वो आपस में इत्तेहाद करें। बगैर इत्तेहाद के खास तौर पर सूबाई सिंध में हमने कोई इलेक्शन नहीं देखी। बचपन से हम ये देखते आए कि हमारे मुखालफीन जो थे वो हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाते थे। तो सियासत में इत्तेहाद बनाना, आपस में इत्तेहाद करके किसी पार्टी का मुकाबला करना, इलेक्शन में आना, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल परेशान नहीं है और हम सेहतमंद सियासी एक्टिविटीज को वेलकम कहते हैं। होना ये चाहिए था कि शायद मुस्लिम लीग जून को मुतहदा के पास आगे बात करनी चाहिए थी, मगर मुतहदा खुद गई है उनके पास बात करने। मैं अगेन ये कहता हूँ कि इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, हर पार्टी का अपना अपना डोमेन है। नहीं तो अगर वो आके उनसे बात करे तो क्या होता? आप ये जो बात हाईलाइट करें धामरा साहब, उनको उनके पास आके बात करनी चाहिए थी, तो उन्होंने कर ली, तो इससे क्या फर्क पड़ा? हेलो जी जी धामरा साहब, आप कह रहे हैं कि इनको इनके पास जाके बात करनी चाहिए थी, तो अगर उन्होंने बात करी तो उससे क्या फर्क पड़ा? नहीं नहीं, मैंने तो ये भी कहा उसके साथ कि हमें बावजूद इस बात के कि कोई परेशानी नहीं है, मैंने तो वेलकम कहा है सेहतमंद सियासी पॉलिटिकल। नहीं, मैं आपकी बात को समझना चाह रही हूँ, आपने इस बात को हाईलाइट किया ना, तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुलकर बताएं। मेरा कहने का मकसद यह है कि आजकल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सिंध में तमाम NTPP जो पॉलिटिक्स करने वाले और वो हमारे इत्तेहादी भी जो अभी रिसेंटली रहे हैं, ये सब इत्तेहाद बना के हमारा मुकाबला करना चाहते हैं। तो मैंने यही कहा कि जो बड़ी पार्टी होती है वो बड़ा दिल करके छोटी पार्टियों के पास आगे बात करती है, इस इतना तबसरा है मेरा, मगर बावजूद इस बात के मैं कह रहा हूँ कि अगर इत्तेहाद बनता है और मजीद पार्टियां उसमें शमूलियत की, तो हमने तो आज भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने गोरकी के अंदर एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई है जिसमें GTA के एक बड़े एक मरकजी रहनुमा सरदार अली गौर मेहर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और दूसरी शख्सियात ने भी किया है। तो हम तो कहें कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, और ये नई बात नहीं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस इलेक्शन में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, इससे पहले भी यही पार्टियां आपस में इत्तेहाद बनाती हैं। मेरे ख्याल में पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अपने इंडिविजुअल मंशूर के तहत परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन में लड़ना चाहिए, उसके बाद देखें कि मैंडेट किस पार्टी को कितना मिलता है, फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम के साथ एक COD होनी चाहिए, मुआशी तौर पर COD होनी चाहिए, और इंतखाबी मुहिम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये एक डॉक्यूमेंट साइन करके रख दें कि जो पार्टी इकदार में आएगी और जो अपोजिशन में पार्टियां बैठेंगी वो मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, बाकी मामला में बेशक वो तनकीद करती रहे। तो पीपुल्स पार्टी ठीक है, हमें कोई शिकवा नहीं, बल्कि हमें सिर्फ शिकवा यह था कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, तो अब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ये डेट जो आई है, हम ये चाहते थे कि एक इदारा जो खुद को इंडिपेंडेंट कहता था वो खुद ये ऐलान कर देता, कोई डेट दे देता, जो हमारे मुतालबे पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो डेट कट ऑफ डेट तो दे दी है ना, हम इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।